अगर आपके ई मित्र पे कभी भी कोई भी खाद का लाइसेंस बनवाने के लिए आ जाए तो दोस्तों आप उसके लिए आवेदन किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी जब भी कस्टमर आए तो आप यहाँ पे उसके यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्च के अंदर आपको टाइप करना है ये वाला एग्रीकल्चर, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बीज उर्वरक कीटनाशक के लिए कृषि इनपुट लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा। आप जस्ट इसका चयन करेंगे। इसका चयन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं ओके बटन आएगा। आप ओके बटन दबाएंगे और आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कस्टमर के जो कि खाद लाइसेंस यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आया है, जिसके नाम से ये लाइसेंस बनवाना है, उसके आधार कार्ड नंबर डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल फ़ोन नंबर लिंक होंगे उसके ऊपर एक ओटीपी नंबर भेज दिए जाएंगे। वह ओटीपी नंबर आप यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। वह ओटीपी नंबर यहाँ पे दर्ज करने के बाद आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे यूजर आईडी आएगी, आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने हैं इसके, तो यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करेंगे जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आवेदन का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा और इस प्रकार से मैसेज आएगा। ओके बटन दबाएंगे तो यहाँ पे कुल 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये वाला वीडियो बना हुआ है, ये वाला वीडियो भी बना हुआ है, इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फर्टिलाइजर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए खाद लाइसेंस के लिए ये वाला ऑप्शन है। पहले 2 ऑप्शन है, उसके वीडियो पहले ही बने हुए हैं, इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक आपको दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा खाद लाइसेंस के लिए। यहाँ पे कुछ एक इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं जिसे मैं अच्छी तरीके से पढ़ के समझ लूँगा और कस्टमर को भी समझा लूँगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन मिल जाएगा। आधार कार्ड की डिटेल यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगी। अब दोस्तों मैन्युफैक्चर यानी कि जो निर्माता होता है, जो खाद बनाता है, वो लाइसेंस बनवाना है, या फिर दोस्तों रिटेल डीलर या फिर होलसेल डीलर, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो होलसेल होता है, ये रिटेल डीलर होता है, तो ज़्यादातर रिटेल आपके पास आएंगे तो आप रिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तीनों ऑप्शन लगभग समान होते हैं, तो मैं यहाँ पे रिटेल का लाइसेंस बना के आपको बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों फॉर्म A1 यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप नया आवेदन करना चाहते हैं या कि फिर पहले से आपके पास कोई लाइसेंस है। अगर पहले से लाइसेंस है तो आप ये वाला ऑप्शन लेके यहाँ पे पुराने लाइसेंस नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट डाल देंगे। अगर नहीं है तो न्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों रजिस्टर अथॉरिटी आप ले लेंगे। अगर रजिस्टर अथॉरिटी के अंदर जैसे कि जॉइंट डायरेक्टर हैं तो आप डायरेक्टली जयपुर आपका आवेदन जाएगा। इसी प्रकार से संभागीय स्तर पर भी इसके अधिकारी होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये डिस्ट्रिक्ट वाला लेंगे जिला परिषद द्वारा, तो अभी जिला स्तर पर ये आवेदन होगा, तो यही लगभग आपको लेना है। उसके बाद दोस्तों फर्म का नाम यानी कि आपका है तो शॉप का नाम, होलसेल दुकान है तो होलसेल दुकान का नाम, मैन्युफैक्चर है तो उसका नाम इस प्रकार से आ जाएगा। फिर आपके प्राइवेट अदर है, पब्लिक है, प्राइवेट है, पार्टनरशिप है, तो वो जो भी है वो आप यहाँ पर ले लेंगे कस्टमर जो आपके पास आया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस बनना है, तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस बनना है तो यहाँ पे आवेदक का परमानेंट एड्रेस भरा जाएगा। तो परमानेंट एड्रेस जो भी है आवेदक का वो आप यहाँ पे भर लेंगे। अर्बन है तो अर्बन लेना है और रूरल है तो आपको यहाँ पे रूरल लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैंने ग्राम पंचायत ले लिया। यहाँ पे जो भी है खाद लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए जो भी आवेदक का एड्रेस है वो आप यहाँ पे ले लेंगे, जो आवेदक आपके पास खाद लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन करवाने के लिए आया है फर्टिलाइजर लाइसेंस के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे वार्ड संख्या लिख लेंगे, यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे, यहाँ पे आवेदक के मोबाइल फोन संख्या आप एंटर करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर करने के बाद दोस्तों एड्रेस ऑफ सेल पॉइंट यानी कि शॉप का एड्रेस, तो ये परमानेंट एड्रेस हो गया, इसको हाइड कर लेंगे। उसके बाद सेल पॉइंट यानी कि यहाँ पे जो शॉप है उसका एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस के समान है तो इस प्रकार से क्लिक करके फिलअप कर लेंगे। अगर अलग है तो आपको अलग से भरना है शॉप का एड्रेस जहाँ पे खाद बेची जाएगी। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज जहाँ पे जो खाद का अतिरिक्त माल होगा जो बेचेंगे वो सेल पॉइंट पे उसके अतिरिक्त होगा, तो उस स्टोरेज का यहाँ पे एड्रेस लिखना है कि मेरा स्टोरेज यहाँ पे है, और इसका आपको यहाँ पे नक्शा भी सबमिट करना होगा स्टोरेज पॉइंट का। तो यहाँ पे आप कंप्लीट एड्रेस उसी प्रकार से फिलअप कर लेंगे जिस प्रकार से ऊपर आपने एड्रेस फिलअप किया था
यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, एड्रेस फिलअप करने का प्रोसेस लगभग समान रहता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लूँगा यहाँ पे वार्ड संख्या और यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे दोस्तों एक से अधिक स्टोरेज हैं तो ऐड पे क्लिक करके उसका एड्रेस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन है यहाँ पे जो बेचने वाला है उसका, यहाँ पे दोस्तों इसमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, अगर एक से अधिक है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे, आवेदक का नाम जिसके नाम से हम लाइसेंस बनाने जा रहे हैं। अब दोस्तों एक से अधिक है तो ऐड पे क्लिक करेंगे और उसका भी आप यहाँ पे ले लेंगे इस प्रकार से, और उसका भी नाम लिख लेंगे। अगर एक ही है तो एक ही यहाँ पे रहने देंगे, एक ही क्वालिफिकेशन है तो एक ही यहाँ पे रहने देंगे। अब दोस्तों डिटेल ऑफ फर्टिलाइजर एंड देयर सोर्सेज, आपका जो फर्टिलाइजर है वो किस प्रकार का फर्टिलाइजर आप बेच रहे हैं, क्या केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक है। उसके बाद दोस्तों कौन सा फर्टिलाइजर है, किस प्रकार से, जैसे कि आपने केमिकल लिया तो केमिकल के अंदर ये सभी मिल जाएंगे, जैसे कि ये ऑप्शन है, ये दोस्तों देख सकते हैं ये वाले सभी ऑप्शन है, तो जो जो बेच रहे हैं वो आप ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो आपने आगे केमिकल फर्टिलाइजर लिया है वो कौन सी कंपनी का आप फर्टिलाइजर बेच रहे हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगर एक से अधिक कंपनी का बेच रहे हैं तो नीचे ऑप्शन आएगा आपको अलग से ऐड करने का। फिर होलसेलर नाम, किस होलसेलर से आप खरीद रहे हैं, और उस होलसेलर का भी रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ होना जरूरी है जिसके पास से आप इसकी खरीद कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे होलसेलर का नाम आपने लिख लिया, उसके बाद वैलिडिटी डेट उस होलसेलर की और आपकी जो भी है तो वो आप लिख लेंगे, इस दिनांक तक वैलिडेट हैं, होलसेलर वैलिडिटी की डेट क्या है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे होलसेलर की जो रजिस्ट्रेशन किया है इसी पोर्टल से होता है होलसेलर का भी, वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अब दोस्तों ये जो रजिस्ट्रेशन किया है जो वो फॉर्म है वो आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, यहाँ पे व्यू करने दिखाई देने लग जाएगा जैसे ही अपलोड करेंगे। अब दोस्तों एक से अधिक कंपनियों का आप माल बेच रहे हैं तो ऐड ऐड पे क्लिक करके जितने भी होलसेलर वगैरह जितने भी हैं जिसका भी आप माल बेच रहे हैं वो सभी आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे और उन सभी की डिटेल यहाँ पे सेव कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही सभी की डिटेल सेव होगी उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दोस्तों कॉपी ऑफ द लाइसेंस इशू बाय द, ये यहाँ पे स्टेट है, सोर्सेज लेटर ऑफ द ओ फॉरम, जहाँ पे आपका ओ फॉरम होता है वो आपको यहाँ पे स्विच फाइल में जाके अपलोड कर लेना है। स्विच फाइल में जाएंगे जहाँ पे आपका फॉरम सेव है, वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आप इसको यहाँ पे अपलोड कर लेंगे, तो वो जहाँ पर भी आपका सेव है गए और वहाँ पे आप इसको अपलोड कर लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, समय समय पे अलग अलग डॉक्यूमेंट अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं तो वो मांगे जा सकते हैं, तो वो आप एक एक करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो कि मांगे जाते हैं, कॉपी ऑफ द आधार कार्ड, लिस्ट ऑफ द मेमोरेंडम होता है, साइट मैप होता है यहाँ पे, इसके अलावा आधार कार्ड, GST, ये जो सभी डॉक्यूमेंट हैं, लेटेस्ट फोटोग्राफ है, सेल पॉइंट का जो एड्रेस है, कॉपी ऑफ द एफिडेविट एक लगता है FSO का, और प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन एज ए FSO वो आपको लगाना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डाल देने हैं, और उसके बाद सब डॉक्यूमेंट डाल दिए उसके बाद फाइनल सेव पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से मैसेज मिलेगा, तो सभी अपलोड करना है, उसके बाद ओके, और उसके बाद अंत में सेव का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे आपका आवेदन फॉर्म सफलतापूर्वक का सेव हो जाएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा, और पेमेंट हो जाने के बाद जैसे ही आपने सेव करके पेमेंट कंप्लीट हो गया, उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही मेन पेज पे आएंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल में जो भी आपने आवेदन सबमिट किया है वह दिखाई देने लग जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आपका जो आवेदन है वह दिखाई देगा, फॉर्म सबमिटेड, और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, जस्ट यहाँ पे क्लिक करके इसकी प्रिंट आउट आप निकाल लेंगे और कस्टमर को दे देंगे। कस्टमर इसके पीछे जो भी डॉक्यूमेंट इसके साथ ऑनलाइन अपलोड किए थे वो सभी इसके पीछे लगा देगा और संबंधित विभागीय ऑफिस के अंदर इस फॉर्म को सबमिट कर लेगा, और जैसे ही संबंधित संभागीय ऑफिस के अंदर वो सबमिट करेगा उसके बाद जांच के बाद उसका जो लाइसेंस है वो लगेगा कि सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही हैं, तो वो यहाँ पे उसका लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। और जैसे ही लाइसेंस जारी होगा तो इसी पोर्टल के माध्यम से अब बाद में उस लाइसेंस की प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको आने वाले समय में जब भी इसका मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि लाइसेंस डाउनलोड किस प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों ये तरीका था खाद लाइसेंस के लिए, जिसे फर्टिलाइजर लाइसेंस कहते हैं।
तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले। दो बाय बाय दोस्तों।